दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम सभी छात्र छात्राओं को जानकारी बताना चाहेंगे महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय छतरपुर से संबंधित समस्त महाविद्यालय एवं यूटीडी में जो कोर्स संचालित हैं, जिसमें ग्रेजुएशन एवं पोस्ट ग्रेजुएशन की सेमेस्टर पद्धति से जो कोर्स हैं, इनकी जो है एग्जाम फॉर्म भरने की जो डेट है वो आ चुकी है। फर्स्ट सेमेस्टर के जो रेगुलर एवं प्राइवेट छात्र हैं, वो सभी छात्र अपना यहाँ पे एग्जाम फॉर्म भर सकते हैं, जिसमें पोस्ट ग्रेजुएशन में एमए, एमएससी, एमकॉम, एमएचएससी, एलएलबी, बीए, एलएलबी आदि की जो इन्फॉर्मेशन है वो हम पहले वीडियो में बता चुके हैं। और साथ ही अब इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएड, एमएड, बीपीएड, बीएल, बीए, बीएड, बीएससी, बीएड आदि के जो छात्र हैं, जो रेगुलर छात्र हैं, वो यहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर या नियमित फेल एवं एटीकेटी वाले जो छात्र हैं वो दिसंबर 2022 का यहाँ पे एग्जाम फॉर्म भर सकते हैं। इसकी डेट यहाँ पे आ चुकी है, इन्फॉर्मेशन आ चुकी है, तो इस वीडियो में यहाँ पे हम जानकारी बताने वाले। सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे एनसीटीई और डीटीई द्वारा जो नियमित परीक्षार्थी हैं, जिसमें बीएड, एमएड, बीपीएड, बीएलएड, बीए बीएड, बीएससी बीएड आदि के जो फर्स्ट सेमेस्टर के जो छात्र हैं, जिन्होंने अभी सत्र 2022-23 में एडमिशन लिया था, वो यहाँ पे दिसंबर 22 के सत्र में जो है अपना फर्स्ट सेमेस्टर का फॉर्म यहाँ पे फिल कर सकते हैं। इसकी जो डेट है वो यहाँ पे आ चुकी है। आप जो फॉर्म है वो 10 जनवरी 2023 से 16 जनवरी 2023 तक भर सकते हैं। इसके बाद आप जो है 18/1/2023 तक ₹750 विलंब शुल्क के साथ आप अब आवेदन कर पाएंगे। और आपकी जो परीक्षा फॉर्म भरने की जो हार्ड कॉपी है, जो आप फिल करते हैं और प्रिंट आउट लेते हैं, वो आपको अपने महाविद्यालय में जमा करना होगा, जिसकी डेट 20/1/2023 तक रखी गई है। तो समस्त छात्र समय सीमा में अपना ऑनलाइन आवेदन भरें और लेट फीस से बचें। साथ ही इसके जो एग्जाम है वो बहुत जल्द स्टार्ट होने वाले हैं, जिसका टाइम टेबल का भी वीडियो आपको बहुत जल्द हमारे माध्यम से आपको दिया जाएगा। तो जो छात्र इस वर्ष प्रवेश लिया था बीएड, एमएड, बीए आदि, बहुत से छात्र यहाँ पे बीएड कर रहे हैं, एमएड कर रहे हैं, बीए बीएड, बीएससी बीएड कर रहे हैं, वो यहाँ पे अपना एग्जाम फॉर्म फिल कर सकते हैं। और साथ ही यहाँ पे आपको फॉर्म भरने के लिए जो इंफॉर्मेशन चाहिए होगी, उसमें आपको आपका एनरोलमेंट नंबर,